गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसको कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म कहते हैं कैपिटलिज्म को हिंदी में पूंजीवाद भी कहा जाता है और सोशलिज्म को कहा जाता है समाजवाद तो आइए देखते हैं कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म क्या है शुरुआत करते हैं हम पूंजीवाद से जो कि कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकनॉमी इज रेफर टू एज द इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल गुड्स लेबर नेचुरल रिसोर्स एंड ऑन्टरप्रीनोरशिप आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाई प्राइवेट बिजनेसिस सो फ्रेंड्स देखिए कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते ही आपके दिमाग में चार चीज़ें क्लिक करनी चाहिए Uh, labor, resources, entrepreneurship, and capital. आपको ये सब चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए कि कोई आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पूछे और आप ये चार चीज़ें उसी टाइम बता दो सो so, जो ये कैपिटलिज्म होता है कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है ये ऐसा इकनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ पर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट बिजनेसेस इसमें जो इन चीज़ों का रेगुलेशन होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है और मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है जो मार्केट अब मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई In a capitalist economy, the production of all goods and services is dependent on the demand and supply in the market. That is, it is also known as market economy. जिस चीज़ की डिमांड है प्रोड्यूसर वही बनाएगा जिस चीज़ की डिमांड है वो चीज़ नहीं बनेगी इससे क्या होता है मान लीजिए कोई ऐसे गुड्स हैं जो नेसेसिटी गुड्स हैं जो बनने ही चाहिए बट अगर उसकी डिमांड नहीं है या बहुत कम है तो प्रोड्यूसर शायद ही वो बनाएंगे प्रोड्यूसर हमेशा वही गुड्स ज़्यादा बनाएंगे जिसकी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में या जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है इसी को चलते हुए इसको बोलते हैं मार्केट इकनॉमी इट इज़ डिफरेंट फ्राम सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कमांड इकनॉमी और प्लान इकनॉमी क्योंकि जो कमांड इकनॉमी और प्लान इकनॉमी होती है उसमें हर चीज़ कौन डिसाइड करता है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कौन कितनी चीज़ कितनी क्वांटिटी में बनेगी पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो वो एक सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी थी क्योंकि हर चीज़ का रेगुलेशन गवर्नमेंट के हाथ में था किसी को कोई फैक्ट्री खोलनी है कोई चीज़ का मैनुफैक्चरिंग करनी है इम्पोर्ट करना है तो हर चीज़ के लिए लाइसेंस चाहिए होता था गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या हम ये चीज़ बना सकते हैं और लाइसेंस लेंगे प्रोडक्शन uh, के लिए तो लिमिट होती थी, थी कि इस क्वान्टिटी में ही प्रोडक्ट्स बनेंगे या इतनी क्वान्टिटी में ही प्रोडक्शन होगा प्रोडक्शन एक्सपैंड करना है तो उसके लिए लाइसेंस तो ये सब कैपिटलिज्म में नहीं होता क्योंकि ये सब जो फीचर्स हैं ये एक सेंट्रली प्लान इकनॉमी के होते हैं और मार्केट इकनॉमी जस्ट उसके अपोजिट या विपरीत होती है द मेन करेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ कैपिटल इकनॉमी इज़ दैट द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मैंने आपको बोला था मैनुफेक्चर वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखता हो या जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता हो द कैपिटेस इकनॉमी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ फ्री मार्केट्स एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन बाई द गवर्मेंट इन द रेगुलेटिंग बिजनेस ये दो बहुत की फीचर और स्ट्राइकिंग फीचर होते हैं कैपिटल इकनॉमी के फर्स्ट एक तो फ्री मार्केट एंड सेकेंड नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन या रेगुलेशन हर चीज़ मार्केट डिपेंडेंट होती है डिमांड और सप्लाई पर डिपेंडेंट होती है है ये चीज़ देख लेते हैं फटाफट से फर्स्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटलिज्म वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज लाइक फैक्ट्रीज मशीन्स इक्विपमेंट्स कैन बी ओन बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज इसके जो ऑपोजिट होती है सेंट्रली प्लान इकनॉमी या सोशलिस्ट इकनॉमी वहाँ पे ये सब जो चीज़ें होती हैं रेगुलेटेड या ओन्ड बाई गवर्नमेंट होती है बट इन केस ऑफ कैपिटलिज्म प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी होती है फ्रीडम ऑफ़ एंटरप्राइज अंडर दिस सिस्टम एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू मेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन विदाउट एनी इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस किसकी गवर्नमेंट की लाइसेंसेस की कोटा की, की मेरी मर्जी है कि मुझे आज आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है मैं कर सकती हूँ आज मेरा मन है कि मैं कोई एप्पल बनाने की फैक्ट्री आई कैन डू इट इसमें कोई रोक टोक तो, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ अगर मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है कपड़ों की तो आज मैं कॉटन फैक्ट्री डाल सकती हूँ प्रॉफिट मोटिव द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ कैप्टिस इकनॉमी ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रॉफिट मोटिव होता है फ, वीडियो के स्टार्टिंग से जब से हम कैपिटलिज्म पढ़ रहे हैं मैंने आपको बताया था कि कैपिटलिज इकनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है टू मैक्सीमाइज देयर प्रॉफिट फोर्थ प्राइज मैकेजम अंडर दिस सिस्टम द डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट विल डिटेइन द प्रोडक्शन लेवल एंड करस्पॉन्डिंगली द प्राइज सेट फॉर द प्रोडक्ट्स विदाउट एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्राम द गवर्मेंट इसमें जो प्राइजेज होते हैं प्रोडक्ट के गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती उनका कोई रोल नहीं होता प्राइजेस को डिटामाइन करने का मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मतलब आ, पहले तो जो कॉस्ट होती है प्रोड्यूसर की और उसके ऊपर अगर आ, जिस तरीके से मार्केट फोर्सेस काम करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है प्रोडक्ट की सप्लाई कम है तो डिमा उसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी uh, किस तरीके से प्राइस डिटरमाइंड होता है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है ग्रेटर क्लैरिटी के लिए आप प्लीज़ उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं फिफ्थ फ्री ट्रेड इन द सिस्टम लो टैरिफ बैरियर एग्जिस्ट दैट प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड कोई ज़्यादा टैरिफ बैरियर्स नहीं होते हैं uh, या ड्यूटीज़ या चार्जेस नहीं होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड फ्रीली फ़्लो करता है क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेट ही नहीं कर रही है इंटरवीन ही नहीं कर रही है तो टैरिफ बैरियर्स कौन इम्पोज़ करेगा इसलिए uh, ये जो प्रकार की इकोनॉमी होती है ये फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है और लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इंटरफेयरेंस इन द कैपिटलिस्ट इकनॉमी देर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डेली एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस द कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू मेक देर ओन डिसीजन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस ये मैं आपको बता चुकी हूँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट जीरो टू नेग्लिजिबल होता है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फर्स्ट इट लीड्स टू इनक्वालीज इन इनकम बिल्कुल होगा क्यों क्योंकि सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें रिजर्व करी गई हैं माइनॉरिटीज के लिए या जो अप्रेस क्लास होती है हर चीज़ इक्वली मार्केट में है अगर आप उसको एक्वायर कर सकते हैं तो करिए गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी चाहे वो सारे रिसोर्स अमीर के पास चले जाएं गरीब के पास चले जाएं गवर्नमेंट का तो इंटरवेंशन ही नहीं है तो इस चक्कर में क्या होता है या इससे क्या रिजल्ट आता है कि ये इनक्वालिटीज़ इन इनकम बढ़ जाती है सेकेंड इन कैपिटल फर्म्स के कैन गेट मोनापली ओवर वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स कुछ वेलफेयर लॉज कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही नहीं है तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं आज अगर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है इन द फॉर्म ऑफ लेबर लॉज या फिर फैक्ट्री एक्ट फैक्ट्री वर्कर्स के राइट्स के तौर पर तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं उसके आ, हम क्या करते हैं हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कि हम उसके नुकसान ज़्यादा देखते हैं नहीं लेकिन उसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं क्यों क्योंकि आज अगर आप देखिए लेबर लॉ ना हो आ, का, लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या होगा जो फैक्ट्री का मालिक है वो बहुत सारे ऐसे लॉ निकाल देगा जो उसके खुद के लिए सूटेबल हो और आ, लेबर तो उनको पता है कि लेबर क्लास है इनको हम दबा सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं इनका एक्सप्लॉटेशन कर सकते हैं तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में ऐसा ही होता है कि फर्म्स इतना जो इतनी डोमिनेंट होती हैं लेबर क्लास के ऊपर कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होना चालू हो जाता है थर्ड अ हाई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव ऑफ कैपिटल इकनमीज इज टू यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट लीड्स टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बाई डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल बैलेंस क्योंकि मोटिव है प्रॉफिट अर्न करने का मैक्सिमाइज करने का तो इतना रेगलेस एक्सपर्टेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है अगर यहीं पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता तो शायद गवर्नमेंट रोकती कि आप इससे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते या अगर आप नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो आपको साथ साथ कुछ ऐसे एक्शंस भी लेने पड़ेंगे कि वो फिर से रिप re, रिप्लैनिश हो जाए या वाटर क्लीनिंग मेकेज़म या कुछ भी आपको करना पड़ेगा इन्वायरमेंट को गुड बनाने के लिए तो सिंस यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होता नहीं है तो कैपिटलिस्ट uh, जो पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे रेकलेस यूज़ uh, करेंगे रिसोर्स का अब यहाँ इसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं कैपिटलिट इकनॉमीज़ के बारे में बहुत सारी कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट हैं उनमें से जो प्रामिनेट मैंने उनका नाम यहाँ पर लिखा है हॉन्ग कॉन्ग सिंगापुर यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम ये सब कैपिटलिस्ट इकनॉमीज़ हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम है और ज़्यादा जाद से ज़्यादा फोकस लोगों का क्या है प्रॉफिट मोटिव चौथे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा सोशलिज़म सोशलिज्म सिस्टम इन विच एवरी पर्सन इन द कम्युनिटी हैज़ एन इक्वल शेयर ऑफ वेरियस एलमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एलमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज़ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बोलते ही आपको चार चीज़ें याद आ जानी चाहिए मैं नहीं यहाँ पर दोहराऊंगी क्या सो हैज एन इक्वल शेयर ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स अब जो सोशलिस्ट इकनॉमी होती है ना फ्रेंड्स इसमें क्या होता है हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल शेयर दिया जाता है उस प्रोडक्शन uh, रिसोर्स में या कोई से भी रिसोर्स हो सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं एक्सचेंज से रिलेटेड हो सकते हैं बट शेयर इक्वल होता है या एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाती है uh, हर एक सिटीजन को सच अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप इज ग्रांटेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस सोशलिजम हैज़ ऑलसो बी डिमॉन्सट्रेटेड थ्रू अ कोऑपरेटिव सिस्टम इन विच ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी ओन्स अ शेयर फॉर कम्यूनल रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि अपने अपने लिए जो भी रिसोर्स होते हैं कलेक्टिव यूटिलाइजेशन uh, के लिए होते हैं देश के हित के लिए होते हैं सबके हित, है। सब हित के लिए नहीं होते कैपिटलिज्म में क्या हो रहा था अपना हित देखा जा रहा था एक इंडिविजुअल व्यक्ति का हित देखा जा रहा था सोशलिज्म में सबको कंसीडर करके चलते हैं देश के और समाज के हित के लिए काम किया जाता है तभी इसको बोलते हैं समाजवाद आपको नाम से ही समझ आ जाना चाहिए था कि इसको समाजवाद बोलते हैं मतलब समाज के लिए काम और कैपिटलिज्म को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद तो पूंजी मतलब पैसा या प्रॉफिट तो पूंजीवाद मतलब पूंजी पे ज़्यादा फोकस है और समा समाजवाद में समाज पे ज़्यादा फोकस है अब फटाफट फड़ से इसके फीचर्स देख लेते हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए आपको ये देख के बताना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया को क्या एक कैपिटलिस्ट कंट्री डिस्क्राइब किया गया है या फिर सोशलिस्ट कंट्री डिस्क्राइब किया है एक तो ये होमवर्क है और एक असाइनमेंट मैं आपको वीडियो ख़त्म होने पर दूंगी तो आइए पहले देख लेते फीचर्स क्या हैं सोशलिज़म के फर्स्ट

थोड़ा सा कोई आ, अगर धनिया नींबू और ये सब उगा रहे हैं प्याज तो ऐसा नहीं है कि सारे फार्म्स उगा रहे हैं और उसको अपने आप मार्केट में बेच रहे हैं नहीं क्योंकि यहाँ हर चीज़ रेगुलेटेड है गवर्नमेंट द्वारा सोशलिस्ट इकनॉमी सेंट्रली प्लान इकनॉमी वेयर इकनॉमी ऑपरेट्स अंडर द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी हर चीज़ पहले से ही प्लान्ड है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है जो कि इंडिया का था बिफोर uh, लिबरलाइजेशन उससे पहले हर चीज़ सेंट्रल प्लान थी कुछ भी प्रोडक्शन करना है मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट के अ सोशलिस्ट इकोनॉमी फंक्शन विद इन डेफिनेट सोशो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव दिस ऑब्जेक्टिव में कंसर्न एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट सेटिसफेक्शन ऑफ कम्यूनल डिमांड एलो एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि सोशलिस्ट इकनॉमी होती है ना इनका एक ना एक कोई मकसद होता है और एक से ज़्यादा भी मकसद हो सकते हैं मान लीजिए बेरोजगारी हटाना आ, या फिर आ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना इकनॉमी में तो <coughs> इनका एक मकसद होता है वहाँ पर क्या मकसद था पूंजीवाद में पूंजी बढ़ाना ठीक है इन सोशलिस्ट इकनॉमी प्रेफरेंस इज गिवन टू द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर सोशली बेनिफिशियल ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है मैं साथ साथ कंपैरिजन इसलिए ड्रा कर रही हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट में तो वहाँ पर क्या था कैपिटलिज्म uh, में ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव था वही प्रोडक्ट बनता था जिसकी ज़्यादा डिमांड है और जो ज़्यादा प्रॉफिट ला के देता था मैनुफेक्चर को यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जो ज़्यादा सोशली बेनिफिशियल है मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आ, आ, ट्रैक्टर बनाना किसी सोशलिस्ट कंट्री में ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आ, ट्रैक्टर ज़्यादा काम आता है तो वही प्रोडक्ट वही वही चीज़ें बनेंगी अगर इस एक सोशलिस्ट कंट्री में लग्जरी कार्स का कोई लेना देना नहीं है या इतनी डिमांड नहीं है या उससे सोसाइटी को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे वही प्रोडक्ट्स बनेंगे जो सोशली बेनिफिशियल हों और लास्ट पॉइंट इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी देर इज ग्रेटर इन ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ इनकम वहाँ कैपिटलिस्ट में क्या था ग्रेटर इनकवालिटी ऑफ इनकम थी और सोशलिज्म में क्या है ग्रेटर इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एज कम्पेयर विद फ्री मार्केट इकनॉमी तो साथ साथ मैंने आपको कंपेरिजन भी ड्रॉ कर दिया दोनों में सो so फ्रेंड्स ये दो कॉन्सेप्ट हो गए पूंजीवाद और समाजवाद के आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ये दोनों क्या है और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो ख़त्म होने पे आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगी अब आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आपको पता लगाना है कि uh, फादर ऑफ कैपिटलिज्म और फादर ऑफ सोशलिज्म किसको कहा जाता है सो so फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही स्टे फिट स्टे एट होम थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग